के रहने वाले? नूरपुर के रहने वाले। अच्छा, ये जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, कैसा काम कर रही है? क्या 2024 में आनी चाहिए या जानी चाहिए? सही कर रही है। क्या काम सही लगता है मोदी के? सब कुछ सही है। क्या क्या नाम हो गया चाचा? मेरा नाम शाहिद है। कहाँ के? नूरपुर के। नूरपुर के। तो क्या लगता है, जो मोदी सरकार है, ये 2024 में आनी चाहिए या जानी चाहिए? आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? काम बढ़िया हो रहा। क्या बढ़िया काम हो रहा है? सारा ही बढ़िया लग रहा है हमें तो। नहीं, आपको जैसे कह रहे हैं राहुल गांधी भी तो है। नहीं नहीं, हमें तो सभी अच्छा लग रहा है। मोदी बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा। कोई काम जो आपको पसंद आया हो? बस सारे काम पसंद है। हाँ। आराम के साथ रह रहे हैं। आराम के साथ रह रहे हैं। हाँ? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग। बस दुनिया है इसका नाम तो। हाँ, हाँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा हो रहा है, वहाँ रामलला विराजमान हो जाएंगे, खुशी है इस बात की? है नहीं? खुशी है हमें तो। हाँ, हमें तो खुशी है। तो कोई आपत्ति नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है? भैया हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें तो कोई परेशानी है नहीं, ना पहले परेशानी थी, आज परेशानी है। हम तो आम इंसान है, हमें क्या मतलब है? नहीं कह रहे कि मुसलमान नाराज हो गए, राम मंदिर बन रहा है। नाराज होते क्यों होते मुसलमान नाराज? कोई नाराज नहीं है, सब खुश है। खुशी है सबको, खुशी है सबको। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, तो सभी जगह बन रहा है। वहीं बन रहा तो क्या परेशानी है? अगर वहीं बन जाएगा तो क्या परेशानी है? आपको क्या लगता है कि राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था, क्योंकि राम जी वहीं के रहने है, वहीं उनका जन्म स्थान है? भैया हमें तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देंगे, ऐसे बच्चों की वीडियो वायरल हो। तो सारे लोग तो भगवान को भी अच्छा ना बताते हैं। हाँ। सभी रंग के दुनिया है, पांच तरह की हो गई, सबके दिलों में है। पांच उंगली है, एक साथ थोड़ा ही है, कोई छोटी कोई बड़ी। तो आपको भी खुशी है, मतलब भव्य मंदिर बन रहा है? हमें खुशी है, कोई परेशानी? हमें क्या दिक्कत है भैया, कुछ भी ना, कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरमान खान है। फरमान खान, आप बताइए, भव्य राम मंदिर बन रहा है, कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? कोई आपत्ति नहीं है, राम दिलों में रहने चाहिए, मंदिर मंदिर में बाद में, पहले दिलों में होने चाहिए ना राम। जब दिलों में राम होंगे तो फिर मंदिरों में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और राम मंदिर बनना अच्छी बात है। कह रहे हैं कि मुसलमानों को दिक्कत है, उन्होंने नाराजगी है, पूरे देश के अंदर मुसलमानों को 1% भी किसी को दिक्कत नहीं है। ये वो लोग हैं जो प्रोपेगेंडा चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का जो एकता रही है वो रहे ही ना। हाँ। वो लोग हैं। लेकिन फरमान जी, कई सारी वीडियो देख रहा था बच्चों की, जो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, जब हम बड़े हो जाएंगे तो राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। अब आप एक बात बताइए, एक नासमझ बच्चा है, आप उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं। हाँ। कुछ भी बुलवा सकते हैं। लेकिन जो समझदार हैं, हाँ, हर मुसलमान ये चाहता है प्यार प्रेम और सद्भाव जो इस देश की आज तक निशानी रही है वो रहनी चाहिए। उन बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है? नहीं, वो जहर क्या भरा जा रहा है, एक मासूम बच्चे से आप जो बोलेंगे वो बोल देगा, बच्चे को क्या पता। हाँ, जहर भर रहे हैं ये राजनीति जो हिंदू। और जब पता है कि जब हमारी सरकार आएगी हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। अब मोदी जी की सरकार हमारी सरकार है, अब हम हमारी सरकार, अब हम कैसे कहते हैं कि हमारी सरकार है तो हम मस्जिद बना देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या मोदी जी को हमने वोट नहीं दिया? तो कहते हैं कि मोदी सरकार हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार तो कोई और सरकार है। जो देश का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, खाली बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हिंदुओं के भी प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं। और जो वो हिंदुओं के लिए करेंगे वो मुसलमानों के लिए भी करेंगे, इसलिए सबसे पहला काम हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो उनका मान सम्मान। फरमान खान को खुशी इस बात की है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर। बहुत खुशी है, होना चाहिए। सर्व धर्म सद्भाव का अभाव होना चाहिए, जहाँ मंदिर है उसकी इज्जत होनी चाहिए, जहाँ मस्जिद है उसकी इज्जत होनी चाहिए। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? मोहित राणा। मोहित जी, आपको क्या लगता है, फरमान खान साहब तो कह रहे हैं कि भव्य मंदिर बन रहा है तो हमें तो खुशी है इसी बात? अच्छी बात है सर, हर किसी को खुशी है, पूरे देश में खुशी की लहर है, अच्छी बात है। देखो, समाज में हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं और सबको मोदी जी का सपोर्ट है। मोदी जी, आपको कितनी खुशी है? सर, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हिंदू या मुसलमान कोई भी है, इस देश का नागरिक है वो, अच्छे से रहे सब, और सब प्रेम भाव से रह रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे, क्या करने वाले हैं 22 जनवरी को आप? सर, मैं तो देखो एक एम्प्लॉयज हूँ, मैं जॉब करता हूँ, आप समझ सकते हो प्राइवेट जॉब में इतना सब कुछ नहीं होता है कि मैं यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन घर पे क्या कर रहे हैं? अपने घर पे तो सर पूजा पाठ करने वाले हैं। दीपावली मनाने वाले? हाँ बिल्कुल, दीपावली मनाने वाले हैं सर। साल में दूसरी दीपावली मनाने की तैयारी? सर बिल्कुल, बहुत खुशी से। इतना लंबा समय रहा, संघर्ष जो बीता है, लोगों ने तपस्या की है, बलिदान दिया है, तो आज उनकी मेहनत सफल हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, सफल हो चुकी है सर। जो लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्यों बन रहा है? देखो, हमको राजनीति नहीं आती है,
और हम तो एक बात जानते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, राजनीति कोई नहीं जानता इस बात में, सब मिलकर साथ रहते हैं। मैं साथ में बचपन से मुसलमान के बच्चे मेरे साथ पढ़े लिखे हैं, मेरे साथ अभी भी रहते हैं, हम लोगों में तो कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की, ना हम लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, ना हमें मस्जिद से परेशानी है ना मंदिर से परेशानी, कुछ नहीं है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों की वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम बड़े हो जाएंगे, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, हर व्यक्ति की अलग सोच है, हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच रखता है, मानोगे नहीं इस बात को, तो ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। और उन बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है क्या? नहीं 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 सर, ये तो एक अपना अलग एक सिस्टम है, नहीं कह सकते इस बारे में कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इस बारे में हम नहीं कह सकते सर, लेकिन सब बढ़िया है, खुशी से है सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 जनवरी की तैयारी कर ली है? 22 जनवरी की बिल्कुल तैयारी है सर, अपने घर पे तो बहुत बढ़िया से अच्छे से तैयारी करी है हमने कि बहुत बढ़िया से पूजा पाठ करेंगे, अच्छे से रहेंगे। अच्छे से रहेंगे बिल्कुल सर। चलो बोल लो, क्या नाम है भाई आपका? मलिक नाम है जी। मलिक कहाँ के रहने वाले? मलिक साहब यूपी। यूपी के रहने वाले, तो भव्य मंदिर बन रहा है राम जी का, तो खुशी है इस बात की या नहीं है? बहुत बढ़िया खुशी है भैया जी, बहुत बढ़िया खुशी है जी। कितनी खुशी है? बहुत दिल से खुशी है जी। हम तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, फेरी फट्टे वाले आदमी है, तो अपने को भी खुशी है? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी, बढ़िया खुशी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ भी नहीं जी। किरण है? किरण कहाँ के रहने वाले हैं आप? करनाल है? करनाल के। करनाल के रहने? अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हम गए नहीं है, अबे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। जाएंगे हम, जाएंगे 22 को। कब जाएंगे दर्शन करने राम? 22 को, 22 को, 22 जनवरी को, जनवरी को। हाँ, उसी दिन रामलला विराज मनाएंगे, अयोध्या पहुँचेंगे। अयोध्या बिल्कुल पहुँचेंगे। तैयारी पूरी कर ली? पूरी पूरी। चंदा, चंदा कहाँ के रहने वाले आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद के। 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे उस नए मंदिर में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और क्या? तो 22 जनवरी को क्या करने वाले हैं, घर पर क्या करने वाले हैं आप? घर पे क्या करेंगे, कुछ बनाएंगे अच्छा, पूजा पाठ करेंगे अपने मंदिर में, और जो बनेगा गरीबों को कर सकेंगे, अपने जैसे छोटा भंडारा कर लें या कुछ भी कर लें, मिलके गली वाले। तैयारी पूरी कर ली है 22 जनवरी की? हाँ जी। क्या लगता है, जो लोग कहते थे कि राम तो है ही नहीं, आज उन्हें जवाब मिला है क्या? नहीं जवाब तो मिला है, और राम कहाँ नहीं है, राम तो अपने अंदर है, पहले झांक के देखो। तो लोग राम पे सवाल खड़े करते थे, पूछते थे राम कहाँ है, मंदिर कब बनाएंगे, तो मंदिर तो बन गया ना, उनको मिल गया ना जवाब, तो बस राम मिल गए सबको, मिल गया है जवाब। हाँ जी। चलिए भाई साहब, 2 मिनट का समय चाहिए था आपका, क्या नाम हो गया आपका? तारकेश्वर प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे उस अपने नए घर में, कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, खुशी की बात है, बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। 22 जनवरी को क्या होने वाला है? सब कुछ होगा जो कहना हिंदुओं के लिए होता है। हाँ, देश के लिए तो गर्व की बात है, इतने जन्मों से कहना आज इतना अच्छा मौका मिला है, बहुत अच्छा है। गर्व की बात है? गर्व की बात है, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, क्या पूरे वर्ल्ड के लिए गर्व की बात है। तो जिन लोगों ने संघर्ष किया आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? मिलेगी, बहुत बहुत शांति मिलेगी, और हमारे तरफ से भगवान की कृपा रहे कि मतलब उनको शांति मिले। आपने भी देखा होगा किसी आंदोलन में शामिल हुए हैं? हमने आंदोलन में तो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन आंदोलन लोगों के साथ हैं, उन लोगों के साथ। हाँ, ये बताइए, जो लोग कहते थे कि राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, क्या उनको जवाब मिला है आज? मिला है, जरूर मिला है। राम पर सवाल खड़े करते थे वो बिल्कुल गलत है, ये तो कहना ये साधु संतों की भूमि रही है, कहना ये सब हिंदुओं की भूमि रही है और आगे भी रहेगी, आगे भी रहेगी। हाँ, तो 22 जनवरी को दीपावली मनाने वाले हैं मतलब? हाँ जरूर, एकदम बहुत खुशियों के साथ। आपको कैसा लग रहा है 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे अपने नए घर में? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सोचा होगा कि हाँ राम मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, हम भी दर्शन करने जाएं? हाँ सोचा है, तो जाएंगे, तैयारी है? हाँ तैयारी है, पूरी तैयारी है, जाएंगे 22 से पहले चले जाएंगे। 22 से पहले जाएंगे? हाँ। ये नए मंदिर में बाद में जाएंगे? नहीं नहीं बाद में नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे, पहले ही जाएंगे, तो पहले ही डेरा डाल लेंगे अयोध्या पहुँचेंगे, तभी तो देखेंगे सब कुछ। अच्छा रहा संघर्ष उन लोगों का, बलिदान बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, और सबके अंदर ये जोश होना चाहिए। कैसा जोश होना चाहिए? ये जोश होना चाहिए कि हर जगह जो है ना हिंदुओं का मतलब एक वर्चस्व रहे। हाँ, तो जय श्री राम का नारा लग जाना चाहिए। हाँ एकदम, जय श्री राम, जय श्री राम, यही गूंजेगा, मतलब आगे भी गूंजेगा और गूंजता रहेगा।
आगे भी गूंजेगा, आगे भी गूंजेगा। कह रहे हैं कि ये तो फिर मंदिरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अब मथुरा की बारी कर देंगे, वो भी हमारे हाथ आएगा, वो भी हमारे एक दिन हाथ आएगा, मथुरा भी हाथ आएगा, हाथ आएगा। ऐसा क्यों, मथुरा भी क्यों? मथुरा भी वही है जैसे वहाँ हुआ था, उन लोगों ने कब्जा किया था, आज वहाँ भी वही हाल है। वो तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दें। कुछ नहीं बनेगा, अब जो हो गया हो गया, बस एक बार जो हो गया कोई कुछ नहीं तोड़ता है। तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी, पूरी तैयारी। जय श्री राम का नारा लगा के 22 जनवरी को तैयारी तैयारी है। जय श्री राम।